हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जनाब व्लॉग, और हमारे पीछे वाली गाड़ी को बहुत शदीद सा बम आया हुआ है, क्योंकि वो जा रहा है कि बंद सिग्नल में भी था कि ऊपर से निकल जाए। एनीवेज, आज हम जा रहे हैं जनाब व्लॉग बनाने। व्लॉग बनाएंगे हम आज ईद के ड्रेसेस का, और ईद के ड्रेसेस के लिए शॉपिंग होने वाली है। आज मैं जा रही हूँ G10 बाड़ा मार्केट, और आपको लग रहा होगा कि काफ़ी क्लाउडी डे है। यस, इस टाइम काफ़ी क्लाउडी डे है, और हम करेंगे शॉपिंग। मैं और मेरी मिसेस, हम सारे पहनने वाले हैं गरारा या शरारा विथ शर्ट, कुछ इस तरह का दिल चाह रहा है। लेट्स सी क्या बनता है, क्या लेते हैं, और बजट में आपको आगे चल के बताती हूँ बजट क्या है। सो सबसे पहले अभी मैं जा रही हूँ अपनी मिस को लेने के लिए, एंड देन हम चलेंगे बाड़ा मार्केट। और अभी काफ़ी रश है श्रीनगर हाईवे पे, बहुत रश है, बहुत दुनिया जो है ना गुजर रही है। सो सबसे पहले पिक करते हैं नीस को, देन चलते हैं आगे। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी सहेलियों, हम आगे G10 मरकज़, और ये जनाब इस तरह से व्यू है G10 मरकज़ का। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, बेडशीट्स मिलती हैं आपको, कवर मिल जाएंगे, पर्दे मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। कपड़े अनस्टिच जितने भी हैं यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगे, और फैंसी भी। सो मौसम बड़ा बारिश वाला हो रहा था, बड़ा अच्छा हो रहा था, और हमने जनाब स्टार्ट की शॉपिंग। और हमारी बैड लक ये थी कि फ्राइडे था, और फ्राइडे को मोस्टली शॉप्स बंद होती हैं। आप सैटरडे संडे आ सकते हो या पूरा वीक आ सकते हो, फ्राइडे को मोस्टली आपको पता है पठान लोग जो है ना वो थोड़ा ऑफ रखते हैं। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये लॉन के 2 पीस 3 पीस एंड शॉर्ट पीस हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। फैंसी बहुत अच्छा है भाई, इस शॉप पे फैंसी बहुत अच्छा था। खैर यहाँ पे सारे जो पठान हैं उनके पास फैंसी बहुत अच्छा है, जो आप वेडिंग्स में स्पेशली बना सकते हैं, कुछ जोड़ तोड़ करके दिमाग लड़ा के बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि ये जैसे राबी सेंटर है, जैसे बाड़ा मार्केट है उस तरह से। सो ये वाला स्टफ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। नीचे जो था वो शिफॉन था, ये भी बहुत खूबसूरत था, मतलब यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी थी। मैं सोची थी कुछ रेशमी कुछ शिफॉन में, बट यू नो बच्चे हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं गर्मी बर्दाश्त होती है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम लॉन पे ही फोकस करते हैं। हमें लॉन की शर्ट्स चाहिए, कुछ प्रिंटेड, कुछ थोड़ी सी एम्ब्रॉयडर्ड, कुछ इस तरह से, या तो हम शायद हो सकता है चिकनकारी। सो फाइनली जो हमने डिसाइड किया वो लॉन ही था। एनीवे, साथ साथ दूसरी शॉपिंग चल रही है, यहाँ पर 2 पीस है, 3 पीस है, सब कुछ आपको मिलेगा आराम से घर पहनने के लिए। यहाँ पे वो वाले ब्रांड भी हैं जो कि आपको नॉर्मली मार्केट्स में नहीं मिलते, छोटे छोटे काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने अच्छे अपने कपड़े बनाए हुए होते हैं, कढ़ाई वाले होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, बड़े खूबसूरत भी होते हैं। और वो ब्रांड्स मतलब ओपनली अपनी इतनी ज़्यादा कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो वो इस तरह की शॉप्स पर आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको रेप्लिका भी मिल जाता है इन शॉप्स पे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला। सो हम जनाब यहाँ पे चेक कर रहे हैं 3 पीस, ये चेक करें आप, काफ़ी वैरायटी है। सो ये एक और शॉप है यहाँ पे, इनके पास बहुत वैरायटी है लॉन की 3 पीस की। इनके पास शॉर्ट पीस नहीं है, ज़्यादातर 3 पीस हैं, ठीक है, और एम्ब्रॉयडर्ड है, इनके पास रेप्लिका है, इनके पास वो वाले ब्रांड्स हैं जो वही अगेन जिन्होंने ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की होती, और छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं तो वो भी हैं। और ये हम यहाँ पर जनाब दिखा रहे हैं आपको भीड़, क्योंकि फिज़ा को नज़र आ गई थी, और मुझे बहुत डर लगता है बाय द वे, बहुत ज़्यादा। सो इस तरह से बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दिनों में बड़े होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह की चीज़ लेना। और थोड़ा सा स्टाइलिंग आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, और ये देखें कितना खूबसूरत है, और ये कोई लोकल ब्रांड ही था उसका है। फिर जनाब हम आगे एक और पठान की शॉप है, और जनाब यहाँ पे आपको शर्ट्स ही शर्ट्स नज़र आएंगी, मलाई लॉन, चिकनकारी और स्विस लॉन, इस तरह के बहुत सारे हैं, और रेशमी भी। तो ये सारी जो है ना सामने आपके, ये सब शर्ट हैं, और ये नॉर्मल लॉन, स्विस लॉन एंड मलाई लॉन है। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम इस तरह का कुछ स्टफ़ लेते हैं जिसपे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी ये वाली शर्ट्स इस तरह से। सो हमने बच्चों को मैंने डिसाइड करने दिया कि क्या लेंगे आप, तो उन्होंने डिसाइड किया, फाइनल किया ये वाला प्रिंट इस तरह से। सो यहाँ पे मैं उन तीनों को साथ पे गई थी, तीनों नीस है, मेरी भाई की बेटी हैं, तीनों को मैंने कहा कि आप अपनी पसंद से कलर चूज़ कर लो, ताकि आपको मतलब अच्छा रहता है,
अब आप बच्चों को बच्चों की पसंद से भी ले तो काफ़ी मज़ा आता है, अदरवाइज मैं अपनी पसंद से कुछ और लेती अलग से आती तो। खैर उन्होंने चूज़ किए कलर, यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिफरेंट स्टाइल्स थे, लेकिन ये वाला डिज़ाइन पसंद आया था मेरी बड़ी नीस को। उसने कहा पप्पो हमें तो इसमें ही चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। सो हम कलर्स देख रहे हैं, ये देखेंगे कलर्स कितने हसीन हैं, इसमें कलर्स बहुत सारे हैं। और इसकी प्राइस, एक शर्ट की प्राइस थी 800। सो हमें ये 3200 में चार शर्ट्स मिली थी। बच्ची है मोमना छोटी, उसके लिए भी पूरी शर्ट ही चाहिए थी क्योंकि उसे कम वो पीस देते नहीं हैं। सो इसमें आपको मेरे ख्याल से 8, 10, 12 कलर मिल जाएंगे और डिफरेंट डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, आप वो भी चेक कर सकते हो। कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। सो ये वाला जो था ये फाइनल किया गया था। ये कलर्स अभी मैं निकलवा रही थी और कलर्स दिखाएं भाई हमें, सारे कलर्स दिखा दो और हम फाइनल करें कि किसने क्या लेना है। सो मेरा ग्रीन था, मोमना का ब्लू था, विशा का येलो एंड फिज़ा का पिंक। सो हमने चारों जो हैं वो फाइनलाइज किए। और कपड़ा देखा, कपड़ा काफ़ी अच्छा था, गर्मी में मतलब बेस्ट है, कुछ एम्ब्रॉयडरी भी है, थोड़ा सा खूबसूरत भी लग रहा है, तो हमने इसको ही फाइनलाइज़ कर दिया। ओके जी, फिर हम आ गए हैं गरारों के लिए कपड़ा लेने, और गरारों का कपड़ा भी सेम शॉप से मिला था। अच्छा, मैंने यहाँ पे वाइट लेना है, मुझे ऑफ वाइट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ड्रेस में जो कढ़ाई है वो वाइट है, शर्ट में जो कढ़ाई है। और मैंने यहाँ से एक एक सूट लिया है अपने लिए, विशा के लिए और फिज़ा के लिए, गरारे के लिए जो कि कम होता है एक्चुअली कपड़ा गरारे के लिए, और फिर मोमना के लिए उससे भी कम हाफ लिया था तो वो भी कम था। खैर एनीवेज मेरे टेलर ने बड़ा अच्छा बना दिया उसमें। एनीवेज इस शॉप पे बहुत ज़्यादा आपको मैचिंग के लिए लॉन के ट्राउज़र्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कपड़ा बहुत अच्छा है इनका लॉन का, मलाई वाला भी और नॉर्मल लॉन भी। सो ये वाला कपड़ा जो है फाइनल हो गया है। अब हम आगे हैं गोटा किनारी के लिए, और इस शॉप से मैंने लिया है जनाब ये गोटा किनारी, सेम G10 में आपको ये मिलेगा, शॉप मिलेगी और आप यहाँ से ही बाय कर सकते हैं आपको जो भी लेस या कुछ भी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर चार कलर के गोटे जो हैं वो चूज़ किए हैं शर्ट्स के लिए। यहाँ पे आपको सामने वाइट की कलर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत सा होलोग्राफिक, एंड देन सिल्वर है, गोल्डन है और रोज़ पिंक है। सो हमारे पास चार शेड थे और चारों के साथ मैंने ये इस तरह से गोटे लिए हैं, चारों के साथ मैंने इस तरह से डोरी ली है, डोरी जो है वो करारे पे लगेगी। और मैंने लेसेस भी ली थी जिसकी वीडियो एक्चुअली मैंने बनाई थी एंड आई डोंट नो वो मेरी गैलरी में नहीं है। खैर आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने ये लेस जो है शर्ट के बॉर्डर जो था वो लेस वाला था, मैंने ये उतार के साइड पे कर लिया क्योंकि मुझे ये लेसेस नहीं चाहिए, ये बड़ा ओल्ड फैशन सा है। स्टिल ये शर्टें चल रही है, ये काफ़ी पुराना स्टाइल है, बट मुझे सिर्फ शर्ट जो है ना ऊपर कढ़ाई वाली चाहिए थी, मुझे ये लेस नहीं चाहिए। ये लेस मैं किसी और शर्ट के बॉर्डर पर लगा सकती हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी इन है लेस वाली शर्ट्स, मतलब बॉर्डर पर। सो जनाब यहाँ पर शर्ट जो है वो स्टिच हो गई है, मैंने टेलर को कैसे बताया था मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग भी बता सकते हो और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो दिखा सकते हो। सो मैंने शर्ट क्या ये सबके साथ लेसेस ली थी इस तरह से, गले पे मैंने इस तरह से गोटी करा ली, और बाजू जो है मैंने अगेन यहाँ पे पर्ल्स लगवा लिए थे। पर्ल्स आप लगवा लो या यहाँ पे बीच में लेस लगवा लो फीलिंग की, बाजू के आगे भी लेस है और गले पे भी लेस है और गले पे गोटी है साथ इस शर्ट के, बाकी की शर्ट पे नहीं है, सिर्फ इसी शर्ट पे। देन मैंने बॉर्डर पे जो ये करवाया था उसे कहा था इस तरह से कटवर्क करके नीचे की तरफ लगवा दें ऑर्गेन्जा का पीस, और जो गोटी है हमारी डोरी और गोटी दोनों उसके ऊपर रख के स्टिच होगी। सो ये इस तरह से कुछ मज़े का बॉर्डर बन गया, और जनाब गरारा कुछ इस तरह से बन गया है। ये फुल सूट का गरारा है, ठीक है, और इसका आप चेक कर सकते हो गोटी लगी है, सबसे ऊपर जो है वो गोटी और डोरी है, फिर बीच में डोरी एंड से नीचे भी सेम गोटी और डोरी, और इसका जो फॉल है वो इतनी है, ठीक है, अगर बच्चे आप मतलब बच्चे इतना ही फॉल कैरी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फॉल वो कैरी नहीं कर सकते। सो ये फाइनल ड्रेसेस जो कंप्लीट हुए हैं ये 15,000 के कंप्लीट हुए हैं विद स्टिचिंग, और ये काफ़ी रीज़नेबल है। देन हमने जनाब ये चारों शर्ट्स आपके सामने शो कर दी हैं, और गला सब कुछ इस तरह से है। मोमना की जो है वो थोड़ी सी गोटी ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और
नीचे बॉर्डर्स जिस तरह से कंप्लीट हो गया सबके, बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड बाकी ये हैं दुपट्टे इसके, तो गोल्डन दुपट्टे पे थोड़ा सा ज़्यादा काम किया गया क्योंकि गोल्डन वाली को चाहिए था थोड़ा ज़्यादा हैवी दुपट्टा। सिल्वर वाला जो है वो मोमना के लिए नेट का दुपट्टा है, सिंपल, बहुत ज़्यादा उस पर कुछ नहीं है, बस ये कि बॉर्डर बड़ा अच्छा मज़े का लग रहा था, उसका भी बॉर्डर बन गया, उसने आराम से कैरी कर लिया। देन पिंक शर्ट के साथ गोल्ड रोज डोरी लगाई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। मेरा दुपट्टा आप चेक कर सकते हैं मेरी पिक्चर्स में आगे चल के, या इंस्टाग्राम से पिक्चर्स भी ले सकते हैं अगर आपको अपने टेलर को दिखाना है। तो जनाब ये रही मेरी, और ये शर्ट है। अब ट्रांजिशन कर लेते हैं।